कौमी राजधानी दिल्ली ते एनसीआर विच प्रदूषण दे पद्धर विच मामली सुधार होए है, पर एकीआई लेवल हले भी बहुत खराब पद्धर विच दर्ज किया जा रहा है। मंगलवार नूं भी दिल्ली विच वातावरण विच धुंद दी परत छाई हुई है। अजिहा इसलिए है क्योंकि दिल्ली दा औसत एकीआई 321 दर्ज किया गया, जो कि हवा की गुणवत्ता की बेहद खराब कैटेगरी विच आउंदा है। सफर इंडिया के मुताबिक अगले दो दिनों तक प्रदूषण की यही स्थिति बने रहने के आसार ने। हालांकि दक्षिणी पूर्वी हवावां ने देश की राजधानी नूं प्रदूषण तो थोड़ी राहत जरूर दी है। हवा की दिशा बदलन के कारण दिल्ली एनसीआर विच प्रदूषण के पद्धर विच थोड़ी कमी दर्ज की गई। हवा के सुधरते ही दिल्ली एनसीआर विच प्रदूषण के कारण लगियां पाबंदियों विच भी ढिल दी गई है। ग्रुप 4 दे सख्त पाबंदियों नूं हटा लिया गया है। हम इस समय अभी बाहर निकले हैं, जो कि मतलब अपने आप में बड़ा दुखद है। ये कोई समय नहीं है हमारे लिए बाहर निकलना। इस समय ट्रैफिक भी मूव करना शुरू कर देता है, साइक्लिस्ट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये सबका सब जो है पोल्यूशन की वजह से है। जब हम निकलते हैं तभी गाड़ियों का पोल्यूशन मिलता है, और ये जो आसमान में जो खुलापन है ये ना होने की वजह से हमें सांस की तकलीफ भी हो जाती है। हम लॉन्ग डिस्टेंस मारने जाते हैं, 50-60 कभी 100 के लिए सोचते भी हैं, तो इस मौसम में हमें रेस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती है, हमें अपनी राइड को कम करना पड़ता है, जो कि बहुत बहुत तकलीफदायक है एक साइक्लिस्ट के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो। सो ये मेरे साथ एक साइक्लिस्ट है, इन्होंने भी पिछले 2-3 दिन पहले इन्होंने 200 किलोमीटर किया, मेरठ तक गए। ये भी यही बता रहे थे कि सुबह के टाइम हम लोग ये 4:30 बजे निकले थे, बेहद ज़्यादा पॉल्यूशन था और पूरी राइड पे उसका असर पड़ जाता है। यस, बिकॉज़ व्हाट आई फील कि जब आप कई बार आप अपने सांस को क्लियर करते हो, जब आप स्पिट करते हो तो एक ब्लैक स्प्यूटम करके निकलता है वो, जबकि नॉर्मली आप करते हो तो व्हाइट। आपको पता लगता है कि रोड में ये हालत है, अभी लंग्स के अंदर क्या हालत होगी। तो बल्कि साइक्लिस्ट कम्युनिटी में तो हमारा आजकल ये बोल रहे हैं कि आप या तो मास्क लगा के जाएं, या साइकिलिंग ना करें, या रनिंग ना करें। अगर आप देखेंगे इस बार एयरटेल मैराथन भी, जो अभी तो वेदांता मैराथन हुई थी, वो भी थोड़ी सी प्रीपोन हुई है, इसी की वजह से कि सांस लेने में तकलीफ ना हो और अंदर जो हमारे लंग्स को, जो हम जिसके वजह से चले थे कि हमारे लंग्स क्लियर हों, सांस अच्छी आए, हम हेल्दी हों, वो बल्कि अभी उसका उल्टा असर पड़ रहा है। तो इट इज़ अ ह्यूज मेनेस जो कि अभी क्लियर करने की ज़रूरत है।